ओम शांति। 15 जुलाई 73 की अव्यक्त मुरली है। लगाव और स्वभाव के बदलने से विश्व परिवर्तन। बाप दादा ने हम बच्चों को विश्व परिवर्तन के आधार को स्पष्ट करते हुए आज विशेष पूछा कि बच्चे लास्ट पेपर के लिए आप सब तैयार हो, जो फाइनल पेपर होगा उस पेपर का आंसर देने के लिए आप बच्चे तैयार हो, क्योंकि आप साइलेंस पावर वाले हो, जबकि साइंस के पावर वाले जो विनाश का कर्तव्य करने वाले हैं वह भी आज अपनी विश्व परिवर्तन की विनाश की तैयारियों में एवर रेडी है। विनाश के सारी तैयारियां, सारे सामान तैयार है। विनाशकारी यादव सेना जब एवर रेडी है, एक सेकंड में उसको ऑर्डर मिले, बस वो समय का इंतज़ार कर रहे हैं। तो फिर बाबा ने हमें कहा कि बच्चे आप भी एवर रेडी हो, जैसे विनाशकारी लोग भी नई नई इन्वेंशन करते, रिफाइन इन्वेंशन करते हैं कि बस एक सेकंड में बटन दबाया और विनाश हो गया। तो ऐसे विनाश के लिए तैयार होकर के बस विनाश के लिए तड़पते हैं कि कब समय आए और हम विनाश कर दें। तो उसके सामने बाबा ने आज हम बच्चों को पूछा कि बच्चे जो विश्व परिवर्तन के कार्य के निमित्त आप बच्चे जो बने हो, क्या आप भी समय का इंतज़ार कर रहे हो कि कब ऑर्डर मिले और हम स्थापना के संपूर्ण कार्य को समाप्त कर दें। बाबा ने ये भी कहा, बच्चे जैसे वो लोग नई नई इन्वेंशन निकालते हैं, वैसे आप भी कोई ऐसी रिफाइन इन्वेंशन निकाल रहे हो कि जिससे एक सेकंड में दुखी लोगों को शांति दे सको, एक सेकंड की नज़र से आप लोगों को निहाल कर सको, निर्बल को बलवान बना सको, सर्व की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले कामधेनु बन सको। तो ये बाबा ने हम बच्चों से पूछा है कि बच्चे ये सारी तैयारियां आपने की है, इतनी तैयारी करके आप एवर रेडी होकर क्या समय का इंतज़ार कर रहे हो? फिर बाबा ने कहा, बच्चे ऐसी तैयारी करने के लिए आप बच्चों को अभी से पुरुषार्थ करना पड़ेगा। तो कौन सा पुरुषार्थ? बाबा ने कहा, यही अभ्यास जो सेकंड में शरीर से कार्य भी करो और एक सेकंड में शरीर से न्यारा भी हो जाओ। जैसे शरीर से कहाँ जाना है तो कितना सहज होता है ना, शरीर से हम उठ के चले जाते हैं, वैसे ही एक सेकंड में शरीर से परे होकर बुद्धि से पार चले जाना, परे चले जाना, ये प्रैक्टिस भी इतनी ही सहज होनी चाहिए। और यही आने जाने का, शरीर से न्यारा होने का अनुभव ही अंतिम पेपर में फर्स्ट नंबर लाने का आधार है। तो अभी इसका हमें अभ्यास पक्का करना पड़ेगा कि जब भी हम कर्म करें, साथ साथ ये भी प्रैक्टिस करें कि क्या हम एक सेकंड में देह से न्यारा हो सकते हुए, क्योंकि जितनी ये न्यारेपन की प्रैक्टिस, अशरीरीपन की प्रैक्टिस बढ़ेगी, तभी हम ये अंतिम पेपर में पास हो सकेंगे, या तो अंतिम विश्व परिवर्तन के कार्य में हम सहयोगी बन सकेंगे। तो इस पर हम सबको अभ्यास भी करना पड़ेगा, क्योंकि बाबा ने कहा कि आप बच्चों को इतना एवर रेडी बनना पड़ेगा। तो यही एक चिंतन करना है कि ये अभ्यास हमसे कैसे सहज होगा,
जैसे कोई भी नया कार्य हम करते हैं तो प्रैक्टिस करनी पड़ती है। जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि बीमार हो जाते हैं, बिस्तरे पे होते, ऑपरेशन होता है, चलना फिरना बंद हो जाता है, तो भी थोड़े दिनों के बाद अगर चलना है तो धीरे धीरे पकड़ पकड़ के शरीर को आदत डालनी पड़ती है। जैसे बच्चा भी बड़ा होता है तो कैसे पकड़ पकड़ के उसको चलना सिखाते, गिरता है, उठता है, कितनी मेहनत के बाद वो इजीली चल सकता है। तो वैसे ही देह से न्यारा होकर बुद्धि से परे होना, वतन में जाना, ये भी एक बहुत बड़ी प्रैक्टिस है। और इसके लिए ऐसे लगता है कि हमें भी बहुत अटेंशन से रोज़ रोज़ बार बार ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। भले मुश्किल लगे, वापस हम थोड़ी सेकंड से शुरू करें, 5 सेकंड, 6 सेकंड, क्या हम देह से न्यारा हो सकते हैं? शुरुआत में तो टाइम लगेगा देह से न्यारा होने में, लेकिन इसी प्रैक्टिस को हम पक्का करेंगे तब जाकर हम ये स्टेज पर आएंगे कि सेकंड में संकल्प किया और हम शरीर से न्यारे हो गए। तो इस प्रैक्टिस को अभी हमें बहुत बहुत बढ़ाना है, क्योंकि इसी प्रैक्टिस से हम अपने को भरपूर करके, शक्तिशाली कर बना करके अनेक आत्माओं की आशाओं को पूरा कर सकेंगे, लाइट हाउस, माइट हाउस, पावर हाउस बन सकेंगे। क्योंकि पांडव सेना को बाबा ने कहा, बच्चे आपको रेडी रहना है, लाइट हाउस बनकर सबको वरदान देना है। इसी आने जाने के अशरीरीपन के अभ्यास से हमारा तीसरा नेत्र पावरफुल होगा, जिस तीसरे नेत्र से हम ये कमाल के कार्य कर सकेंगे। लेकिन उनके साथ जो अटेंशन देने की बात है, जो बाबा ने आज बताई कि जो आपका तीसरा नेत्र है उसको कमज़ोर बनाने वाली दो मुख्य हमारी कमियां हैं, एक तो लगाव और दूसरा है पुराना स्वभाव। अगर ये दोनों बदल जाए तो विश्व को हम बदल सकेंगे। तो अब हमें ये चेकिंग करना पड़ेगा कि मेरा लगाव संकल्प रूप में भी अपनी विशेषता, संबंध या तो किसी भी वस्तु वैभव से लगाव तो नहीं है, क्योंकि जहाँ लगाव होगा वहाँ बुद्धि जाएगी, झुकाव होगा, हम अपने को फंसे हुए अनुभव करेंगे, बंधन। और जो खुद फंसा हुआ है वो विश्व को कैसे मुक्ति दे सकेगा? आज बाबा ने कहा, बच्चे जो लगाव वाली आत्मा है उसको धर्मराज सलाम नहीं देंगे, उसको संपूर्ण भाग्य 21 जन्मों का नहीं मिल सकेगा। तो इस पर हमें अटेंशन देके चेकिंग करनी है। दूसरा बाबा ने कहा, पुराना स्वभाव, जो मेरा अपना स्वभाव है, जो कहीं ना कहीं हमें विघ्न क्रिएट करता है या तो कहीं ना कहीं हमें टकराव में लाता है, बंधन में बांधता है, उसके बदले आत्मा आत्मा, भाई भाई का भाव हो। जब ये मेरा स्वभाव हो जाएगा तो मेरापन समाप्त हो जाएगा। और लास्ट में बाबा ने कहा, बच्चे आप सोचो, लंका को भी आग कब लग सकी, राम का कार्य संपन्न कब हुआ? जब महावीर, वहाँ तो दिखाते ना, हनुमान की पूंछ को आग लगाई, तब पूरी लंका में जा जाकर उसने आग लगा दी। तो बाबा ने कहा, ये पूंछ क्या है? मेपन की पूंछ है, मेरापन। तो जब ये मेरेपन को आप लगन की आग में लगा देंगे, अर्थात लगन की आग इस पूंछ को लग जाएंगी, मेरेपन की पूंछ को, तब विश्व में परिवर्तन शुरू हो जाएगा। तो बाबा के इसी इशारों पे हमें बहुत ही गहराई से अभी अटेंशन देना है कि मुझे अपनी लगन की अगन को बढ़ाना है, और वो लगन की अगन ऐसी हम प्रज्वलित कर दें कि इसमें मेरापन पूरा खत्म हो जाए, और इसके लिए आने और जाने का अभ्यास बढ़ा दे। रोज़ हम ये अटेंशन रखें, दिन में
हम अपना टाइम टेबल फिक्स करें, कम से कम 10 बार, 5 बार, या तो जितनी बार हम ट्रैफिक कंट्रोल करते हैं, तब मुझे देह से न्यारा बनना ही है। और बीच बीच में भी जब हम स्वयं को देखें, हम बहुत व्यस्त हैं, हम एक सेकंड में देह से न्यारे होने की प्रैक्टिस करें, क्योंकि यही प्रैक्टिस हमें परफेक्ट बनाएगी, यही अभ्यास हमें देह की दुनिया से पार ले जाएगा और बाप समान स्थिति बनाने में मदद करेगा। ओम शांति।